नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो सामने देख रहे हैं, ये जोगन बाग पर गुरुद्वारा है, वहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साईं वुमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, जिनकी अध्यक्ष गुरप्रीत कौर जी हैं, जैसा कि आप सामने बैनर पर देख रहे हैं, ये गुरुद्वारा जोगन बाग झांसी का नज़ारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट संवाद पर। और जीवन बचाने के लिए बहुत अच्छी पहल है इनके द्वारा, जो पहल की जा रही है रक्तदान शिविर की। किसी का जीवन बच जाए, ये बहुत बड़ी बात है और सराहनीय कार्य है। इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता, रक्तदान से बड़ा दान कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दान है किसी का जीवन बच जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। आइए हम बात करते हैं, पूछते हैं जो अध्यक्ष हैं, गुरप्रीत कौर जी। नमस्कार, सामने जो आप देख रहे हैं, एक गुरप्रीत कौर जी हैं जो अध्यक्ष हैं सोसाइटी की, हम बात करते हैं। बहन जी नमस्कार, आज आपने जो रक्तदान शिविर लगाया है, इससे बड़ा दान नहीं हो सकता, और क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोगों को? सर नमस्कार, मैं गुरप्रीत कौर, साईं वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी से। हम लोग ये छठा रक्तदान शिविर कर रहे हैं आज जोगन बाग में, और रक्तदान का महत्व हम तभी जानते हैं जब हमें इसकी नीड होती है, जब हम आवश्यकता होती है रक्तदान की। रक्तदान को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है, तो अवेयरनेस लाना एक उद्देश्य है ऐसे शिविर का आयोजन करने के पीछे। और साथ ही जो लोग कुछ भ्रांतियों को लेकर जीते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वो डरते हैं रक्तदान करने के लिए आगे आने से, उनके लिए एक संदेश है कि आगे आना चाहिए और रक्तदान अवश्य करना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को। आपकी सोसाइटी ने कितने बार रक्तदान शिविर लगाया? ये छठा रक्तदान शिविर है, 7 साल हमारी संस्था को हो चुके हैं। एक बार जब कोविड ज़्यादा जब महामारी फैली थी, तो हमने इसको स्किप कर दिया था, अन्यथा हम लोग हर वर्ष ये प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। आपने स्वयं कितने बार रक्तदान किया है? मैंने लगभग 8 से 10 बार। जी, आप देख रहे हैं पूरी टीम इनकी रक्तदान शिविर में देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। कैसा लगा आपने जो रक्तदान किया है अभी? आपको कोई फीलिंग, कोई घबराहट, कोई कमजोरी नहीं होती? देखिए, रक्तदान करके और अच्छा लगता है, और इसको करना चाहिए। क्या होता है, जब ज़रूरत पड़ती है आदमियों को, तो हम लोग मेडिकल कॉलेज की जो टीम है, इसके माध्यम से हम उनको कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे उनको वहाँ निःशुल्क मिल जाता है। सर, आपने भी रक्तदान किया, कितने बार किया है? तो पिछले 20 साल से करता आ रहा हूँ, और कम से कम 50 से ज़्यादा बार कर चुका हूँ। और मैं सबको प्रोत्साहित भी करता हूँ कि रक्तदान करिए, एक बार आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप आगे भी दूसरों को प्रेरित करेंगे। और भाई, खून जो है किसी के पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो जब तक कोई देगा नहीं तो दूसरे को मिलेगा नहीं। तो एक दूसरे की सहायता से आप रक्तदान जब करेंगे, तभी दूसरे को मिल सकता है। लेने वाले तो 100 लोग हैं, लेकिन देने वाले 10 भी नहीं है, तो रक्त कहाँ से आएगा? तो यही जागरूकता फैलानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो और सबको उपलब्ध हो जब जरूरत पड़ती है। धन्यवाद सर। बेटा, कैसा लगा आपने रक्तदान किया है? कोई कमजोरी, कोई घबराहट? नहीं, ना कोई कमजोरी हुई, ना कोई घबराहट हुई। मैं साईं संस्था के साथ हूँ, वॉलंटियर हूँ, और मैं पहले पिछले साल ही वॉलंटियर थी, मैंने पिछले साल भी दिया था, कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत बेटर फील होता है हमारी इस एक चीज़ करने से, किसी आगे चल के किसी की हेल्प हो सके, ये बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोग नई पीढ़ी आज की दे सकती है। धन्यवाद। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।